नाम कीर्तना बसंत गौड़ा गौड़ है, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नेत्रा हनुमप्पा गौरनेकर, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम राजेश्वरी मेहरप्पा गौरनेकर, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम काव्य मुत्तप्पा गौरनेकर, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अलम्मा बसवराज बुद्धू है, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम यशस्विनी शिवरेड्डी लिंग रेड्डी अवर है, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हम सरकारी इसलिए प्राथमिक राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय भारतीय ध्वज में तीन रंग होते हैं। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इसमें 26 तिलियां है। तिरंगा ध्वज में देश की आन और शान का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बाघ राष्ट्रीय प्राणी बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह इसका अशोक स्तंभ से लिए गया है। यह चार मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक सांड और दूसरी और घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखे हुआ है। ये राष्ट्रीय पुष्प है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। इतना कहे कि अपने बात